करनाल जीबीएसयू के प्रधान वीरेंद्र अहर पर हुए कातिलाना हमले के दो आरोपियों को सीआईए वन पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पकड़े गए दो आरोपियों को अमेरिका से मुन्हा रेड़ी गांव के एक युवक मनीष ने 5 लाख रुपए की सुपारी दी थी। आपको बता दें कि फेसबुक पर आपसी गाली गलौज की वजह से रंजिश बनी थी। पकड़े गए दोनों आरोपी नवीन और अमित कैथल के त्योठा गांव के रहने वाले हैं। पकड़े गए दोनों आरोपियों को पुलिस आज जेल भेजेगी। आपको बता दें कि बीते दिनों करनाल के कुंजपुरा रोड पर बुलेट बाइक पर सवार युवक जीबीएसयू के प्रधान पर अज्ञात हमलावरों ने गोली चला दी थी। हमले में वीरेंद्र अहर नाम का युवक घायल हो गया था, जिसे इलाज के लिए हॉस्पिटल में दाखिल करवाया गया था। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस व एफएसएल की टीम मौके पर पहुंचकर मामले की जांच शुरू कर दी, जिसके बाद से लगातार पुलिस हमलावरों की तलाश में जुटी हुई थी। सीसीटीवी की मदद से पुलिस ने जांच शुरू कर दी। जांच में पुलिस को संदिग्ध नकाबपोश युवक दिखाई दिए, जिसके बाद पुलिस ने हमले में घायल हुई वीरेंद्र की किसी से रंजिश के बारे में पता लगाया, जिस दौरान पता चला मनीष नाम का युवक मुन्हा रेड़ी गांव का रहने वाला, जो इस समय अमेरिका में रहता है, जिसकी फेसबुक पर वीरेंद्र अहर के साथ गाली गलौज हुई, जो आपसी रंजिश की वजह बनी। फिलहाल पुलिस ने हमला करने वाले दो आरोपियों को अवैध पिस्टल के साथ गिरफ्तार कर लिया है। पकड़े गए दोनों आरोपी नवीन और अमित कैथल के त्योठा गांव के रहने वाले हैं। वहीं पुलिस ने अमेरिका से सुपारी देने वाले मनीष के खिलाफ रेड कॉर्ड नोटिस की कार्यवाही शुरू कर दी है। पकड़े गए दोनों आरोपियों को पुलिस आज जेल भेजेगी। 2 अक्टूबर की एक छात्र नेता वीरेंद्र अहर जिम के बाद अपने घर अपनी बाइक बुलेट पे जा रहा था, तो पीछे से किसी अननोन आदमी ने उसको गोली मार दी। उसको हॉस्पिटलाइज किया गया, जहाँ उसने बताया कि मुझे गोली लगी है, लेकिन ये नहीं पता कि इसने गोली मारी है। तो अगली इन्वेस्टिगेशन पुलिस को हैंड ओवर हुई, तो हमने बारीकी से सीसीटीवी कैमरे सारे मौके के एनालाइज करे, साइबर टीम भी हमारे साथ थी। तो उस एनालिसिस में हमें 2 सस्पेक्टेड आदमी दिखाई दिए, एक हेलमेट डाले हुआ था और एक मुंह बांधे हुए था और कैप लगाई हुई थी उसने। तो उस आधार पर हमने अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू की। इन्वेस्टिगेशन के दौरान हमने वीरेंद्र की कंडक्ट पता किया, किसी से दुश्मनी हो, तो एक बात सामने आई कि पिछले कई दिन से इसकी एक फेसबुक पे अमेरिका में एक मुन्हा रेड़ी गांव का लड़का रहता है, उसके साथ कई दिनों से इसकी फेसबुक पे कहासुनी चल रही थी। उसी एंगल को हमने आगे एक्सप्लोर करते हुए इन दो लड़कों को 15 तारीख को हमने निस्संग से गिरफ्तार किया है, और पूछताछ के बाद इन इंटरोगेशन बताया कि हमने 5 लाख रुपए वीरेंद्र उससे मनीष से पैसे की रकम लेकर इसको गोली मारने का हमने ये प्लान तैयार किया। जो रोड धर्मशाला का चुनाव हुआ था, उससे कहां सुनी शुरू हुई थी? उसी से जो इन्वेस्टिगेशन हुई, उसी से इनके बीच में अपना गर्मा गर्माई शुरू हुई है। उसने धमकी दी, इसने धमकी दी, दारू अपना शराब के नशे में उसने इसको फोन किया, तो वहीं से इनका जो शुरू हुआ है सारा, जो गोली मारने का सारा। इसमें 2 गिरफ्तार कर लिया, मनीष के खिलाफ अपना अमेरिका में मनीष, उसके खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस की कार्रवाई की जाएगी। तो कैसे किया था वारदात को? इन्होंने 1 बजे यहाँ पे आ गए थे, इसके ऑफिस की लोकेशन पता थी। वीरेंद्र शाम को जिम में जाता है, जिम के बाद जैसे कि अपने ऑफिस में आया, अपनी बाइक उठाई इसने, तो जब इसको ने फॉलो करना शुरू कर दिया, और जैसे ही कुंजपुरा रोड पर चढ़ा और इसके पिछले आदमी ने मोटरसाइकिल से उतर इस पर फायर कर दिया। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World class catering, centrally air conditioned, lush green lawns, state of the art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।